नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस श्रृंखला में हम आत्माओं की बात कर रहे हैं कि उनके स्वभाव किस तरह से हो सकते हैं जब वो पृथ्वी पर आएंगे। अब तक हमने पहले जो चार लोग हैं दोस्तों, उसके बारे में चर्चा की कि वो अगर पृथ्वी पर आएंगे ऐसी आत्माएं तो उनके स्वभाव किस तरह से हो सकते हैं। आज हम पांचवें लोक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि पांचवा जो लोक है वो स्वर्ग की शुरुआत है। यहाँ पर रहने वाली आत्माएं बहुत ही अच्छी आत्माएं होती है, बहुत ही परोपकारी भी ऐसी आत्माएं हो सकती है। ऐसी जो आत्माएं होती है अगर वो पृथ्वी पर आएंगी तो उनके स्वभाव जो है, जो अच्छे गुण वाले स्वभाव है उसमें से बहुत ही अच्छे गुण उनमें हो सकते हैं। वो अच्छे स्वभाव के होंगे या फिर अपने आप में अच्छा बदलाव करने की कोशिश करने वाले होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी आत्माएं भी हो सकती है कि जो माया में या फिर माया की जो चीज़ें हैं, पैसे या फिर प्रेस्टीज वगैरह, इन सारी चीज़ों में भी कभी कभी ऐसी आत्माएं बहुत बार महत्व देती है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इंसानियत नाम की जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब क्या कि ये दुनिया के असूलों पर चलेंगे, दुनिया के असूलों पर, लेकिन फिर भी ये अच्छा करने की कुछ कोशिश करेंगे। मतलब क्या है कि समझो पैसे या फिर और भी कोई चीज़ें हैं वो अगर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो उसमें भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समाज में भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कुछ डॉक्टर आपने ऐसे देखे होंगे कि जो बहुत ही अच्छे से कमाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से उनका परिवार वगैरह बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं, अमीरी में जीवन जी रहे, लेकिन फिर भी कोई चैरिटी का वर्क कर रहे हैं या फिर कभी कभी कैंप में वगैरह लोगों को सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ज़्यादातर आत्माएं पांचवें लोक की देखी गई है कि वो बहुत ही अपने मतलब रोज के जीवन में भी बहुत अच्छे हैं, मतलब पैसे से भी जो बहुत अच्छे हैं और अपने मतलब कर्मों से या फिर और भी जो बाकी का जो चीज़ें होती है आत्मा के मतलब विकास के लिए उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे स्वभाव जो गुण होते हैं उनमें दोस्तों, वो इसलिए होते हैं ज़्यादातर क्योंकि उनकी आत्मा खुद ये चयन करती है। जैसे गई वीडियो में हमने बात की थी कि अगर कोई आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वो अपने प्रारब्ध में, अपने कर्तव्य में ऐसी चीज़ों का चयन करती है जहाँ पर उनका अपने बहुत ही अच्छे से विकास हो। मतलब क्या कि बाकी की अगर वो कोई चीज़ ना करे लेकिन रोज की चीज़ें करते हुए भी उनका विकास बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो ये वहाँ पर चौथे लोक की आत्मा की बात हुई, लेकिन पांचवें लोक की आत्मा को खुद परफेक्ट बनना पड़ता है, वो सारी चीज़ें खुद उनको अनुभव उनको लेना पड़ता है। तो इस वजह से वो बहुत ही अच्छे जीवन के भी चयन करती है बहुत बार, और बहुत बार कभी कभी ऐसी जो आत्माएं होती है वो मतलब सामाजिक काम भी बहुत ही अच्छे से अपने हिसाब से करती है। लेकिन दोस्तों पांचवें लोक में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी होती है कि जो बहुत ही बुरे जन्म का भी चयन करती है। बुरे जन्म मतलब वो कुछ बुरा करेंगे ऐसा नहीं, बुरे हालात के ऐसे जीवन जिसके वजह से उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, या फिर वो लोग ऐसे भी होते हैं आत्माएं दोस्तों कि जिस तरह पृथ्वी पर हम जुआ खेलते हैं वैसी ये थोड़ी सी ये बात हुई कि कम समय में मैं बहुत ही अच्छे से मतलब आगे बढूं या फिर इन सारी बुराई का सामना करने की कोशिश करूं, तो इससे उनके आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो इस वजह से वो ऐसी चीज़ों का चयन करती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि जितना हो सके जिन लोगों के सामने ये सारी बुरी चीज़ें आई है तो हो सकता है कि आप एक उच्च लोक की आत्माएं हो, और हो सकता है कि इस सारी चीज़ों का सामना करके आप बहुत ही आगे जाए इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने आई है। इसलिए आप हताश मत होना दोस्तों। कहते हैं ना कि आज मतलब बुरा पल है मुझे भी पता है, लेकिन जब आप जीत जाएंगे, बहुत ही पवित्रता से आगे बढ़ेंगे, तब आपकी आत्मा जब जीतेगी तब उसकी जो खुशी होगी दोस्तों उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, वो इतनी बड़ी हो सकती है। पांचवी जो लोग की आत्माएं होती है वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल या फिर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संतुलित मतलब संभाल कर जीवन जी सकती है। वो लोग यही देखे गए हैं कि हमेशा खुश रहने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, अपने काम में बहुत ही परफेक्ट लोग। मतलब क्या है कि जो अच्छे गुण हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनमें अच्छे गुण होते हैं। बहुत बार चौथी और पाँचवीं लोग की आत्माएँ ऐसी भी देखी गई है कि जो भगवान को वगैरह मानते भी नहीं, वो भगवान के इंटरेस्ट नहीं देंगे लेकिन वो लोक सेवा में इंटरेस्ट देंगे, कुछ अच्छा करने में इंटरेस्ट देंगे, जो अच्छा काम करते हैं उनको वो मतलब मदद करने की कोशिश करेंगे, को मोटिवेशन देंगे। तो इस तरह से भी देखी गई है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो भगवान को नहीं मानते वो लोग नरक के ही लोग हैं, ऐसा ज़रा भी नहीं है। इंसान के कर्म ही निर्धारित करता है कि वो किस तरह से इंसान करता है, उसकी सोच है वही, उससे ही पता चल सकता है कि वो इंसान नरक का है कि बहुत ही अच्छे स्वर्ग का है। पांचवे लोक की जो आत्माएं होती है वो बहुत ही अच्छे से अपना काम करना जानती है। उनको कभी कभी मतलब जीवन की इतनी टेंशन नहीं होती। कुछ बच्चे आपने भी ऐसे देखे होंगे कि जिनका इतना करियर अच्छा नहीं है लेकिन वो ज़रा भी टेंशन में नहीं होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो 9वीं और 10वीं को होती है जिनका करियर अभी मतलब शुरू होने वाला है बाद में, लेकिन उसकी टेंशन उनको पहले ही होती है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी कभी 25-30 साल उम्र हो गई फिर भी इनको मतलब आगे की इतनी पड़ी नहीं होती। वो लोग कभी कभी मतलब अपने आप में उनको बहुत ही भरोसा होता है, और बहुत बार ऐसा ही देखा गया है कि पांचवे लोक की आत्माएं बहुत अच्छे से काम कर सकती है। बहुत ही कम है कि पांचवें लोक की आत्माएं नीचे आए, अच्छा ही होता है उनके साथ ज़्यादातर क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। बुरा कब होगा इंसान के साथ दोस्तों? जब वो कुछ बुरा करेगी, लेकिन पांचवें लोक की आत्माएं बहुत ही कम चांसेस है कि वो बुरा करे। वो जीवन में बहुत बार ये भी देखा गया है
कि वो लोग खुद का नुकसान कर लेंगे, लेकिन मतलब ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन वो दूसरे का नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसी जो आत्माएं होती है, इनका सबसे पहला गुण है कि वो बहुत ही खुश रहेंगे, मतलब हंसते खेलते जिएंगे, बहुत ही अच्छे से जिएंगे, अपने परिवार की फिक्र करेंगे, परिवार के लिए या फिर समाज के लिए भी कुछ करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो जो स्टेबल इंसान होता है ना, उस तरह से ये गुण है, जैसे ये स्वर्ग की शुरुआत है तो वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इनके लिए मतलब नई चीज़ें सीखना या फिर नई बातें को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, जो ज्ञान उनको नहीं है उसको जानने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या, एक अच्छे इंसान की शुरुआत, अगर एक इंसान कहीं तो उसने अपने आप में उसने सोचा है कि हाँ वो पहले बुरा होता या फिर नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन अब उसने सोचा है कि वो बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करेगा और आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जो अच्छा इंसान होता है वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकता है। पांचवा जो लोक है वो बहुत ही स्वर्ग की शुरुआत है, वहाँ की आत्माएं बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकती है, बहुत ही अच्छे से अपना कर्म कर सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो पांचवा लोक होता है, वहाँ क्या लोक, उस लोक की आत्माओं के जो स्वभाव होते हैं वो इस तरह से होते हैं। अगले वीडियो में हम जो छठा लोक है वो बहुत ही अच्छा जो लोक है, बहुत ही सुंदर है दिखने में, या फिर वहाँ का वातावरण जो होता है, वहाँ की आत्माएं जो होती है वो बहुत ही उच्च गति की होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनके स्वभाव किस तरह से पृथ्वी पर जब आएंगे वो हो सकते हैं। हम इस वीडियो को दोस्तों अभी ही एंड करते हैं, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े, इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।